उत्तर प्रदेश में स्थित बहुमंजिला भवन को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि यह फैसला इन भवनों में लगे लिफ्ट और एक्सीलेटर को लेकर किया गया है। दरअसल इन लिफ्ट से और इन लिफ्ट के लिए 6 महीने में पंजीयन करना होगा। वहीं यह व्यवस्था पुराने भवनों में भी लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि इसका पंजीयन विद्युत सुरक्षा निदेशालय में होगा, जिसके लिए लिफ्ट और एक्सीलेटर अधिनियम 2024 को मंजूरी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में दी गई है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में लिफ्ट और एक्सीलेटर अधिनियम 2024 लागू किया गया है। अब निजी और बहुमंजिला भवनों में लिफ्ट के साथ ही एक्सीलेटर के संचालन को लेकर अधिनियम को मंजूरी मिली है। वहीं ध्यान देने वाली बात तो यह है कि जो लिफ्ट व एक्सीलेटर पहले से लगाए गए हैं उनको 6 माह में पंजीकृत करना होगा, जिसके लिए ₹5,000 शुल्क के रूप में लगेगा। वहीं 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार को प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एक्सीलेटर अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि विधायी अनुभाग द्वारा इस अधिनियम को फरवरी में पारित किया गया था। साथ ही हादसा होने पर मुआवजा भुगतान का नियम है।